अभिक्रिया में पुनः के मान की गणना करेंगे। ये मान डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंतर्गत कैलकुलेट किया जाता है। इस मान से कई एक प्रकार के वैल्यू को ज्ञात किया जाता है। इस प्रकार के इंटीग्रेशन IIT, JEE मेंस एंड IIPMT और बिहार बोर्ड में पूछा जाता है, जो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। अर्थात केमिकल काइनेटिक्स जीरो ऑर्डर रिएक्शन, अर्थात ए से उत्पाद। आप लोग को पहले ही बता चुके हैं, दर समीकरण या एक समीकरण लिखने के लिए स्मॉल आर इज इक्वल टू -1/1 डी कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू +1/1 डी ऑफ उत्पाद अपॉन डी टी डी ऑफ उत्पाद अपॉन डी टी। अर्थात स्मॉल आर इज इक्वल टू -1/1 डी कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी या स्मॉल आर इज इक्वल टू +1/1 डी ऑफ उत्पाद अपॉन डी टी या स्मॉल आर इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी या स्मॉल आर इज इक्वल टू डी सी अपॉन डी टी। तब दर नियम लिखेंगे तो अभिक्रिया का वेग समानुपाती क्रियाकारक की सांद्रता होल टू दी पावर जीरो स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल के ए टू दी पावर जीरो किसी की पावर जीरो इनटू 1 होता है। स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल के इनटू 1 तो स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल के। अब यहाँ पर जो टर्म लिया जाएगा, इससे पहले वाले जो के मान की गणना किए थे जिसमें डी एक्स अपॉन डी टी का प्रयोग किए थे, बट इसमें डी एक्स अपॉन डी टी के स्थान पर दर समीकरण में जो भी आर का वैल्यू आया है उसका प्रयोग करेंगे और अपर लिमिट और लोअर लिमिट का प्रयोग करते हुए के मान की गणना करेंगे। अर्थात स्मॉल आर के स्थान पर पुट करेंगे -d कंसंट्रेशन ऑफ डी अपॉन ए टी अपॉन डी टी, अर्थात और के जगह के ही होगा। दोनों तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद अपर लिमिट और लोअर लिमिट जीरो से टी के बीच में कैलकुलेट करेंगे। अर्थात स्मॉल आर का मान फिट करेंगे -1/1 डी कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू कैपिटल के। अब इस टर्म को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -d कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू कैपिटल के इंटू डी टी। अब दोनों तरफ समाकलन करने पर अर्थात इंटीग्रेशन ऑफ -d कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ के इंटू डी टी। अब यहाँ पर लिमिट का प्रयोग करेंगे, अर्थात इनिशियल में हमने टाइम को जीरो माना था और कुछ समय बाद कुछ ना कुछ टर्म में कंसंट्रेशन चेंज किए थे, तो जीरो से टी दूसरा तरफ भी वही लिमिट होगा जीरो से टी। लिमिट लेने के बाद यहाँ माइनस कांस्टेंट है कॉमन ले लिया तो कुछ नहीं, तो एक होगा डी ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो से टी लोअर लिमिट जीरो और अपर लिमिट टी इज इक्वल टू के। यहाँ कांस्टेंट है बाहर हो गया जीरो से टी यहाँ पर 1 इंटू डी टी। अब आप लोग बहुत बढ़िया से जानते हैं क्या एक के स्थान पर यहाँ पर एक के स्थान पर क्या पुट करेंगे। यहाँ डी के रूप में ए ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए के रूप में फंक्शन है, यहाँ टी के रूप में फंक्शन है। यहाँ पर एक के स्थान पर टी के पावर जीरो बराबर या 1 बराबर टी के पावर जीरो। अब यहाँ पर एक के स्थान पर ए टू दी पावर जीरो या ए टू दी पावर जीरो इज इक्वल टू 1। ये टर्म पुट होगा, पुट करके वापस से वही नियम जो पहले इंटीग्रेट का नियम लगा थे माइनस इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से टी कंसंट्रेशन ऑफ ए टू दी पावर जीरो इंटू डी ऑफ ए इज इक्वल टू कैपिटल के इंटीग्रेशन ऑफ लोअर लिमिट जीरो अपर लिमिट टी कंसंट्रेशन ऑफ सॉरी टाइम टू दी पावर जीरो इंटू डी टी टाइम टू दी पावर जीरो इंटू डी टी। अभी दोनों टर्म को इंटीग्रेट करने पर तो माइनस ऑलरेडी पहले से चल रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ ए टू दी पावर जीरो प्लस 1 अपॉन जीरो प्लस 1 लोअर लिमिट जीरो अपर लिमिट टी इज इक्वल टू कैपिटल के
t to the power 0 plus 1 upon 0 plus 1. और डेफिनेट इंटीग्रेशन में एक खास बात होता है कि इसमें कांस्टेंट टर्म c का प्रयोग नहीं किया जाता, अर्थात कांस्टेंट टर्म c कैंसिल आउट हो जाता है खुद ब खुद। अब आगे इसमें माइनस a टू द पावर 0 प्लस 1 तो 1 अपॉन 1 0 से t इज इक्वल टू कैपिटल k t टू द पावर 1 0 से t अपॉन 1। अब डिफरेंट इंटीग्रेशन का एक और रूल होता है, जब लास्ट में कैलकुलेशन करने के बाद सॉल्व करते हैं तो उसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट फंक्शन के अंदर वैल्यू को पुट किया जाता है, अर्थात दिए गए फंक्शन को कैलकुलेशन करने के बाद सपोज दैट है x वो x के स्थान पर सबसे पहले अपर लिमिट फिर माइनस फिर लोअर लिमिट पुट करके कैलकुलेशन किया जाता है, अर्थात माइनस टर्म ऐसा ही रह जाएगा। सबसे पहले पुट करेंगे तो पुट करने का एक स्थान पर पुट किया जाता है, लेकिन हमको एक स्थान पर नहीं बल्कि प्रारंभिक सांद्रता के लिए k के मान की गणना करना है, ना कि जीरो पुट करके दोनों तरफ बराबर कर देना, ऐसा नहीं कर सकते। तो इस टर्म को एक स्थान पर पुट करने की बजाय एक के बगल में कंसंट्रेशन के रूप में सांद्रता के पदों में व्यक्त करेंगे, अर्थात टी माइनस कंसंट्रेशन ऑफ एट द पावर ए नॉट के रूप में, अर्थात ये अपर लिमिट हो गया ए लोअर लिमिट इज इक्वल टू कैपिटल के। अब टी के स्थान पर आप पुट करेंगे स्मॉल टी, अब वापस से टी के स्थान पर लोअर लिमिट जीरो, लोअर लिमिट जीरो। अगेन इस माइनस टर्म को अंदर मल्टीप्लाई करने पर माइनस कंसंट्रेशन ऑफ ए ऑफ टी माइनस माइनस प्लस कंसंट्रेशन ऑफ ए ऑफ जीरो इज इक्वल टू अंदर मल्टीप्लाई करेंगे के टी माइनस जीरो गुने के टी, ये टर्म तो खत्म हो गया। तो बचा कि पहले इसमें लिखते हैं ए नॉट माइनस ए ऑफ टी इज इक्वल टू के टी, अर्थात के टी का मान ए नॉट माइनस ए ऑफ टी इज इक्वल टू के टी आया। तो इस टर्म में अपने को सबसे पहले के का मान चाहिए, तो के मान की गणना करने के लिए इनिशियल कंसंट्रेशन के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं, अर्थात ए नॉट माइनस ए ऑफ टी इज इक्वल टू के टी इज इक्वल टू के टी। तो के टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए ऑफ टी, तो के इज इक्वल टू वन अपॉन टी ए नॉट माइनस ए ऑफ टी, अर्थात यहाँ से के का मान तो आ गया। लेकिन इस समीकरण को और सजा सकते हैं, अर्थात अगर ए नॉट का मान पूछा जाए इनिशियल प्रारंभिक सांद्रता के लिए तो के टी प्लस ए ऑफ टी, अगर ए टी का मान आपसे पूछा जाए ए ऑफ टी का मान पूछा जाए तो क्या करेंगे बताओ जल्दी से, ए ऑफ टी इज इक्वल टू बोलो जल्दी ए नॉट माइनस के टी। ये तीनों ही वैल्यू बहुत ही ज्यादा जरूरी और यूजफुल है, इंडिया का कोई सा भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो खास करके आईएससी लेवल में ये तीनों रिजल्ट को पूछा जाता है, एक दो तीन, और ये तीनों रिजल्ट पर कहीं ना कहीं क्वेश्चन भी दे दिया जाता है। क्वेश्चन में कभी के का मान फाइंड करवाता है तो कभी टी का मान, तो कभी इनिशियल कंसंट्रेशन, तो कभी फाइनल कंसंट्रेशन टी टाइम पर, कभी जीरो टाइम पर, या कभी या टोटल दौड़ीय रेट कॉन्स्टेंट का मान कैलकुलेट करवाता है। हर हाल में किसी भी कंडीशन में ये तीनों रिजल्ट यूजफुल और जरूरी है। ये सिर्फ और सिर्फ जीरो ऑर्डर में संभव होता है, जो प्रारंभिक सांद्रता के नाम से जाना जाता है।